बनाने और झारखंड वासियों के जीवन में आमूल चित्र परिवर्तन लाने के लिए कृत संकल्पित है। और साथ ही इस कोरोना काल में हमारी सरकार ने देश के कोने कोने में फंसे जितने भी हमारे प्रवासी भाई बहन लोग थे, सभी को सुरक्षित हमारे झारखंड लाने का प्रयास किया है। और पहली बार हमारे झारखंड में भारतीय रेलवे से समन्वय बनाकर यहां पर रेल चलाने का काम किया। और साथ ही प्लेन से हमारे मजदूर भाइयों को यहां पर उतारने का काम किया। उसके लिए तहे दिल से पूरे झारखंड वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और साथ ही जिस तरह से अभी कार्य किए जा रहे हैं, हमारे इस राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति इस लॉकडाउन के पीरियड में भूखा न रहे, जिसको लेकर के हर महीने दो बार का राशन हमारे जितने भी कार्डधारी थे उनको दिलाया गया। और साथ ही जिनका कार्ड नहीं भी बना था उन लोगों को भी राशन दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जिस तरह से ये अनलॉकडाउन के दौर अभी चल रहा है और उसी दौर में निबंधित करा करके हमारे प्रवासी भाइयों को लह में नौकरी हेतु बाहर भी भेजा गया उनको सुरक्षित। और साथ ही हमारे सरकार हमेशा से ही लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ के लोगों के साथ खड़ी होने का काम की है। और जिस तरह से मैं सिर झुकाकर और धन्यवाद दूंगी मेरे जैसल पीएस की सभी दीदियों को कि जिस तरह से मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई और हमारी दीदियों ने अपनी उपस्थिति दे करके जितने भी भूखे हमारे भाई बहन थे सभी को हर टाइम खाना खिलाने का काम किया, उसके लिए मैं सभी जैसलपीएस की दीदियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे से झारखंड सरकार के माननीय मंत्री गण ने भी यहाँ पर श्रम नियोजन के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पर निबंधित मजदूरों को शर्ट पैंट साड़ी सारे वस्त्र वितरण का कार्यक्रम चला हर पंचायत स्तर पे। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह से ये सौगात हमारे एक वर्ष में माननीय हमारे मंत्रीगण ने दिया है कि हमारे किसानों का कृषि ऋण जो कि 50,000 तक माफ करने की घोषणा की है, जिसकी स्वीकृति हमारे कैबिनेट में पास हुई, हमारे मुख्यमंत्री ने पास किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी किसानों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय कृषि मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जिस तरह से धान अधिक्रय केंद्र का विधिवत हर जगह पर उद्घाटन करके खोला जा रहा है, या वो पंचायत स्तर पे हो या वो प्रखंड स्तर पे, ये हमारे ग्रामीणों के लिए एक सौगात है। क्योंकि पूरे प्रखंड में अगर होता था तो ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतें मिलती थी। और मेरी आग्रह है सभी किसान भाइयों से भी कि जिस तरह से ये अधिप्राय केंद्र का उद्घाटन किया गया है और खोला गया है वो आपकी सुविधा के लिए है, तो बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ के वहीं पर अपने धान को बेचने का काम करें, ये मेरी आप लोगों से आग्रह है। और जिस तरह से आज सभी योजनाओं का विधिवत या वो राज्य स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो शिलान्यास किया गया और उसमें आप सबों ने अपनी बहुत ही बहुमूल्य अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। और पूरे जिला प्रशासन का कि इस कोविड के दौर में भी हमारे जिला प्रशासन ने बहुत ही एहतियात बरतते हुए हमारे इस जिला को सुरक्षित रखा। और इस जिला में कई ऐसी योजनाएं जो सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी वो चलती रही, उसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी यहाँ उपस्थित है हमारे राजनीतिक दल के लोग हों या फिर हमारे जितने भी समाज सेवी गण हों या प्रेस मीडिया के बंधुगण हों या हमारी दीदी लोग हों, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि कोरोना काल में आप लोगों ने मुस्तैदी के साथ लड़ने का काम किया और यहाँ कोरोना को मात देने का काम किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, आभार।